थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड IPO के बारे में। हाँ जी फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में NPST भी बोलते हैं, जिसको मैं भी आगे शॉर्ट फॉर्म में NPST ही बोलूँगा। तो ये कंपनी क्या प्रोस्पेक्टिव लेके आ रही है आपके सामने, कितना बेनिफिट अगर आपको ये दे सकती है, क्या मैं इसके अंदर पर्सनली अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा, और इस कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, क्या चल रही है, कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद में आपको कोई नुकसान हो सकता है। SME IPO है ये एक, तो SME IPOs क्या होते हैं, इस तरह के कुछ जो बातें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं फ्यूचर के अंदर खुद की भी रिसर्च करने में, तो वो सारी बातें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात है फ्रेंड्स, ये एक मेन बोर्ड IPO नहीं है, इसका मतलब ये एक SME IPO है, और SME IPOs होते हैं फ्रेंड्स जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं SEBI के द्वारा। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप किसी SME IPO के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो IPO जो है वो किसी एक्सचेंज के द्वारा लाया गया है। इंडिया में हमारे दो बड़े एक्सचेंज हैं BSE और NSE। तो मान लीजिए कि अगर मेरी को कंपनी है और मैं उसको रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, बट उसके जो इसके जो वैल्यूएशन हैं, उसकी जो कंपनी की जो डिटेल्स हैं, वो मेरे SEBI के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक्सचेंज के पास पहुँचता हूँ और वो एक्सचेंज मेरी हेल्प करता है मेरी कंपनी को लिस्ट करवाने में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, NPST जो कंपनी है ये 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसका जो मेन काम है फ्रेंड्स, ये मोबिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मतलब मोबाइल से रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी कभार आप जब अपने कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो आपको एक नेक्स्ट पेज पर लेके जाता है, तो उस तरह के जो पेज वगैरह हैं वो डेवलप किए जाते हैं NPST के द्वारा ही। और जैसे कि इन्होंने बताया गया कि यहाँ पर एक टाइम पे नाम से भी इनकी फ्लैगशिप एप्लीकेशन है, जो कि यूज़र्स को डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर कैशलेस इकोनॉमी प्रोवाइड करती है। मतलब कि जैसे कि आप इसके अंदर UPI से पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, साथ साथ ही आपको मैंडेट्स वगैरह बनाने का भी ऑप्शन ये जो है टाइम प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं काफ़ी ज़्यादा इसके जो कस्टमर्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कनेरा बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, केरला ग्रामीण बैंक हो गया, कर्नाटका ग्रामीण बैंक हो गया, IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एंड कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक जो हो गया, इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े बैंक जो इनके कस्टमर्स हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका जो डाइवर्सिफाइड कस्टमर जो पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसकी स्ट्रेंथ क्या फ्रेंड्स, इनकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी ये है कि इनकी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज प्रोडक्ट सर्विसेज है, मतलब जो IT सर्विसेज और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ये प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मर्चेंट की तरह भी आपके काम करते हैं, और ये सर्विस एग्रीगेशन, मतलब जो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने इनको अपना काम करने को दे दिया, तो उनके लिए जितनी पेमेंट होगी सारी ये जो है NPST उनके लिए करेगी। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट ये जो कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ के अंदर अपना NPST दिखा रही है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपीरियंस जो मैनेजर्स हैं, मतलब कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये कि टाइम पे इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है ये जो टाइम पे है, टाइम पे नाम से इनकी एक फ्लैगशिप एप्लीकेशन है वो। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। फ्रेंड, फाइनेंशियल जो कंपनी के हम देख रहे हैं, तो इनके पास स्टार्टिंग में जो टोटल असेट्स थे वो 881 लाख के थे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2020 के अंदर इनके पास जो एसेट्स हैं वो 997, मतलब ऑलमोस्ट 1000 लाख के आसपास इनके पास जो है टोटल वो आ चुके थे। और उसके बाद में इनके 1651, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप इन्होंने देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स, दो हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी इसका फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इंक्रीज़ हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन ये देखिए आप डिक्रीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक छोटा डिक्लाइन में आप देख सकते हैं 2019 के अंदर ये लाइन कट करना रहे। जो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू की, तो वो डिक्लाइन में जा रहा है फ्रेंड्स, ये एक थोड़ा सा पॉइंट नेगेटिव मुझे लग रहा है कि इनका जो टोटल कमाई है वो कम आ रही है। और प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो भी फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब डिक्रीज़ ही हुआ है, वो बड़ा नहीं है। तो हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल असेट्स के अकॉर्डिंग, तो हम देख सकते हैं कि हाँ, इन्होंने असेट्स के अंदर पैसा लगाया है, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट कम होगा। बट फ्रेंड, फिर भी ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने बेहतरीन नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है वो डेवलप करना चाहते हैं टाइम पे को और भी ज़्यादा, मतलब टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ टाइम पे, मतलब ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं टाइम पे के नाम से। पहले ही टाइम पे के नाम से एप्लीकेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, अब ये खुद का टाइम पे नाम से ऐप बनाना चाहते हैं। सो ये एक अच्छी बात हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि सीधी सी बात, अगर ऐप आएगा तो उसकी जो कंपनी की ग्रोथ वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और टू अंडरटेक मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ टाइम पे, मतलब ये जो टाइम पे से रिलेटेड अगर इनको प्रमोशन भी करना पड़ेगा और जो मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी टाइम पे से रिलेटेड, कंपटीशन देखने मिल सकता है, काफ़ी बड़े बड़े जो ब्रांड है वो अभी ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर हैं, जैसे Paytm हो गया, और काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर हैं, तो इनको थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने को इनको मिलेगा। तो बाकी अब डिटेल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, NPST IPO की डिटेल्स क्या है फ्रेंड्स। ये ओपन हुआ है 28 जुलाई को, मतलब कल ओपन हुआ था। इसकी फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ है ये। उसके बाद में IPO की जो क्लोजिंग डेट है फ्रेंड्स वो 2 अगस्त की है, मतलब 2 अगस्त से पहले पहले आपको इसके अंदर अप्लाई करना है।
फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखें, 5 बजे से पहले पहले आपको अप्लाई करना है, ये नहीं कि 5 बजे के बाद में अप्लाई नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स इसमें ये है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, आप इसको अपने ब्रोकर के साथ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, या फिर जो हमारे ग्रो हैं या अपस्टॉक्स हैं, इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं वो आपको ऑप्शन नहीं देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी ऑनलाइन बैंकिंग ओपन करनी पड़ेगी, किसी भी अगर आपकी ऑनलाइन बैंकिंग, और उसके अंदर ASBA नाम से सर्विसेज का एक ऑप्शन आएगा। ई सर्विसेज में जाइए, ASBA सर्विसेज में जाइए, और वहाँ पर IPO की एप्लीकेशन के लिए आपको एक सेपरेट सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको ये IPO दिखाएगा, वहाँ से आप इसके अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिए, आगे जब भी कोई भी SME IPO आता है तो उसके अंदर आप कोशिश कीजिए आप अपने ऑनलाइन जो आपको आप सर्विस पोर्टल है, ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल है, वहीं से किए। फ्रेंड जैसे मैं आपको बताया कि ये जो IPOs होते हैं, SME IPOs होते हैं, इनको रजिस्ट्रार जो होता है वो SEBI के अंडर नहीं होता है, वो एक चेंज होता है। तो यहाँ पर जो NSE है वो इसका जो यहाँ पर रजिस्ट्रार है। बाकी फ्रेंड्स बात करते हैं, एक शेयर है इसका ओनली 80 रुपीज़ का, बट इसको देख के आप खुश मत होइए, क्योंकि आपको मिनिमम 1600 शेयर्स लेने पड़ेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपको 1,28,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। यहीं पर मैं अपनी पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा, अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर ट्राई करूँगा। बट मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, तो मैं पर्सनली इस IPO को स्किप करना चाहूँगा, क्योंकि SME IPO में फ्रेंड्स बहुत सारी दिक्कत होती हैं। पहली दिक्कत ये कि SME IPO डायरेक्टली SEBI के अंडर नहीं होता, तो ये एक्सचेंजेस के नीचे होता है, तो कल को कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो उसके अंदर काफ़ी टाइम लग सकता है रिजोल्व होने में। दूसरी बात ये भी है ना फ्रेंड्स कि IPO का जो टोटल साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली जब ये SME IPO है तो ये SEBI की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स इसका छोटा होने के कारण इसका काफी ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि ये सब्सक्रिप्शन मांग के कारण, डिमांड के कारण बढ़ रहा है। बट फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है कि इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ने का कारण सिर्फ यही होता है कि ये काफ़ी छोटा है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन लग जाती हैं। दूसरी बात ये भी है ना फ्रेंड्स इसके अंदर कि आप GMP नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतना छोटा IPO होने के कारण GMP के अंदर भी ग्रे मार्केट में भी ट्रेड नहीं करता है, तो इसलिए पर्सनली फ्रेंड्स मैं इसे स्किप करूँगा। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके रजिस्ट्रार की, तो इसका जो रजिस्ट्रार है फ्रेंड्स वो है लिंकिन टाइम, काफ़ी अच्छा रजिस्ट्रार है फ्रेंड्स ये। बात करते हैं रिव्यूज़ की, इसके ऊपर रिव्यूज़ क्या रहे हैं, तो दिलीप दाड़ा जी का सिंगल रिव्यू है, मे अप्लाई। इसमें सिमिलरली फ्रेंड्स यही बात है कि अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है कि फ्रेंड्स फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं आप, ओवरऑल 6.16 टाइम तो ये ओवर सब्सक्राइब हो ही चुका है। QIB कैटेगरी के अंदर, QIB कैटेगरी में अभी तक एक भी एप्लीकेशन नहीं आई है, 0 टाइम्स सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। NIA कैटेगरी में भी काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है, बट रिटेल कैटेगरी के अंदर 17.25 टाइम्स तो ये ओवरऑल ओवर सब्सक्राइब हो ही चुका है, मतलब एक लोट के ऊपर ऑलरेडी 17 लोगों ने इसके अंदर एप्लीकेशन लगा दी है। टोटल जो है ये फ्रेंड्स ये 6.16 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, मैंने लगभग सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए IPO रिव्यू के साथ, तो तब तक IPO में अप्लाई करते रहिए, पैसे कमाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स।